देखिए, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी को सुना। मुझे लगता है अगर आज भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है तो उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को है। इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करें, आज कम से कम हम दोनों को ये शोभा नहीं देता है। आज मैं सुबह डिबेट में राजीव भाई को खुद ही सुन रहा था। अगर मैं गलत हूं तो मुझे राजीव जी ठीक कर दे। शायद आप ही के चैनल पे सुन रहा था जब राजीव जी कह रहे थे अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो कटुआ पार्टी बन गई है। मेरे ख्याल से इसी शब्द का प्रयोग भी किया था। हो सकता है बहुत सारे चैनलों में था, गलत भी हो सकता है। अगर मेरे को लगता है आप ही के साथ थे। जी जी जी, हमारे गलत कह रहा, मेरे साथी पैनल पे थे। तो अगर कांग्रेस सवाल के जवाब में उनके मुंह से निकला था और उन्होंने एक्सेप्ट किया जी, ठीक है, मैं भी इनकार नहीं करूंगा, मैं भी सत्य बोलता हूं। ठीक है, बोलिए जी। जी जी, अगर कांग्रेस की परिस्थिति आज उत्तर प्रदेश में जहां से कांग्रेस उपजी है, राजीव भाई मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं फिर मैं नहीं बोलूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस की आज जवाहरलाल नेहरू लड़े थे और जहां से ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस, जहां से कांग्रेस उभर के आई थी, अगर वहां आज कांग्रेस की स्थिति वोट कटुआ की है तो कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा। मगर आज मुझे पहले चिंतन करना है कांग्रेस चिंता करे या ना करे। और देखिए, पार्टी वही दुरुस्त होती है जो पहले चिंता करना शुरू कर देती है कि आखिर हार का कारण क्या रहा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपके साथ जवाब देना चाहूंगा, सुमित भाई, उन्होंने कहा क्या कॉम्प्लेसेंसी और अति आत्मविश्वास, क्योंकि क्योंकि जो वोट परसेंटेज दोनों में देखा हमने, 48% गोरखपुर में और 37% फूलपुर में, कहीं ना कहीं जो बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता निकल कर आते हैं, जब समीक्षा होगी कि हर बूथ पे कितने कार्यकर्ताओं ने वोटरों को बाहर राजीव जी मौका दूंगा तो वही कहीं उत्तर होगा। ये मैं करना चाहूंगा, राजीव जी मैं मौका दूंगा, काफी देर बोले। उदय जी के पास जाना चाहूंगा। उदय जी,